अपनी एंगेजमेंट रिंग और डिजाइनर लहंगे के साथ, और ये है मेरी मदर इन लॉ, से हाय। हेलो, हमें कल्पना। और ये है नानी। अरे अब बंद भी कर दे बेटा ये फोन, या माता रानी से ही निमंत्रण दिलवाने का इरादा है। चलो चल, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। गाइस, सी यू लेटर, बाय। चल बेटा। अरे ऐसा करो, तुम लोग जल्दी से ऊपर जाओ और पूजा की तैयारी शुरू करो। हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे क्योंकि हमारे पैरों में दर्द है। हमें दर्द है माँ? अब ठीक है, मैं भी आपके साथ रहती हूँ, साथ में चलते हैं। हाँ, एक तो ना तूने हमें ऐसे ही बिगाड़ रखा है, हर बार हमारी वजह से पीछे रह जाती है, आज तू आगे जाएगी। माँ आपको पता है मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। अब माता रानी के दरबार में खड़े होके माँ की बात नहीं मानेगी? माँ आप भी ना जा ना बेटा, मैं चढ़ती हूँ आराम से। ठीक है, आप ध्यान से आना। हाँ हाँ ठीक है। वही लड़की है, बड़े बूढ़ों का तो लिहाज ही नहीं है इसको, बदतमीज कहीं की। स्वामी जी का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, फिंगरप्रिंट्स भी हैं और विटनेस भी। आजा अर्जुन भाई, आ गए भाई, रेडी टू डांस। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे रोज ऑफिस से आके डांस करता हूँ। तो आप शुरू कर दो, शादी के बाद पति पत्नी के फिंगर पर नाचना ही तो है। भाई सुनो ना, ऋतिक वाला डांस करते, ये देखो ये कैसा है। जो भी करना है करो, लेकिन डांस करते। गोविंद वाला, मुझे कोई डांस नहीं करना, आप लोगों को डांस करना है, आप कीजिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। उबर खबर राह पे चल पड़े, अगर लड़खड़ा तो हमारा हाथ पकड़ लेना बाबू, प्लीज। मिस्त्री। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटी, ये शादी का जोड़ा, आपकी शादी हो रही है बेटी। ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि तुम इस शादी की सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बता सकते। ठीक एक साल बाद ये अनचाहा रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारी शादी होने वाली है, और बाबा ने कहा था कि शादी का जोड़ा सबसे पहले मंदिर लेके जाना। मैं अभी पूजा की तैयारी करता हूँ और माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका राजकुमार सदैव सुखी रहें। राजकुमारों का टेस्ट इतना खराब भी नहीं होता पंडित जी। राजकुमार तो मुझ जैसियों की किस्मत में ही होते हैं पंडित जी। ये लीजिए मेरी शादी का जोड़ा। अरे मिश्री, मेरी शादी के जोड़े के सामने तेरा जोड़ा तो फीका ही पड़ गया। तूने बताया नहीं कि तू शादी कर रही है? वो सब छोड़, तू बता तू किससे शादी करने वाली है? बताया तो बिल्कुल राजकुमार है, लुक से, स्टाइल से, फैमिली से, हर तरह से परफेक्ट। लेकिन तूने तूने तेरे लिए तेरे जैसे ही किसी को चूज कर लिया होगा ना, कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाला जो तुझे डेट पे ले जाए, जो तुझे किसी सस्ते से स्कूटर पे बिठा कर रोड साइड के गोलगप्पे खिलाएगा। और हाँ, तुम लोग ऐसे
ऐसे ही किसी छोटे से मंदिर में शादी भी कर लोगे? पर मेरी शादी एक ग्रैंड इवेंट होगी, न्यूज़पेपर, मैगजीन सब में पब्लिश होगी। शादी एक आदमी की उपस्थिति में हो या लाख आदमी की उपस्थिति में हो, शादी तो शादी होती है। इस समय आप दोनों जीवन के अहम पड़ाव पर खड़े हैं। अब आप लोग जाइए, बरगद के पेड़ की परिक्रमा कीजिए और माता रानी के चरणों में प्रार्थना कीजिए। फिर आप दोनों की शादी के जोड़ों की पूजा साथ में ही होगी। तेरा सब कुछ तो मैं छीन ही चुकी हूँ, अब तेरे हिस्से की माता रानी की ब्लेसिंग्स भी छीन ही लूंगी। नारियल तो है ही नहीं। अब पंडित जी, आप नानी के आने से पहले ले आइए, वरना वो नाराज हो जाएंगी। जी। लग रहा है जैसे हमारी लाइफ का पहला कदम है, इसीलिए उंगली पकड़ कर चलना मम्मी, हमारा भी और उस अकड़ों का भी, ताकि अब पापा को जल से जल भी आकर आ पाए, हमारा तरीका सही होना हो, हमारा इरादा गलत नहीं है मम्मी। परिक्रमा करेगी, अभी कराती हूँ।